आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। देखिए, इस देश की आज सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश के जो भी हालात हैं, जितना भी आप तरस रहे हो, आप परेशान हो, आप संकटों का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े मीडिया के घरों को जा रही है, जिससे आपको अच्छा अच्छा सुनहरा सपना दिखे और जिससे इन लोगों के बारे में सिर्फ आप अच्छी चीजें देखें। आप देखिए, बताइए मनीष जी, आप बताइए, आपने कभी ऐड डाला है अखबारों में? नहीं डाला। अगर आपको विज्ञापन डालना पड़े तो क्या मुफ्त में आपको आप डाल सकते हैं? सुनिए, एक बात समझा रही हूं आपको। क्या किया है मनीष ने, सुनो। मनीष ने आपका प्यार कैसे जीता? काम करके। और मैं इनसे क्या पूछ रही थी, विज्ञापन क्यों नहीं डाला है मनीष? क्योंकि विज्ञापन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। उससे अच्छा इन्होंने अगर कोरोना में आपके लिए काम किया, आपके लिए सड़क पे उतरे दोनों, वो काम किया। आज अगर मैं कह दूं कि भाई प्रियंका गांधी का पूरा एक पन्ने का विज्ञापन डलवा दो अखबार में, पता है आपको लाखों करोड़ों का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो आप ये जो विज्ञापन देखते हैं, हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये जो सारे विज्ञापन हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर हैं, है ना? तो अगर वो फकीर हैं, तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा। के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पर हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए? मुझे बता दो, एक तुम्हें भाजपा का एक नेता बता दो जो साधारण परिवार का है, जो अमीर नहीं है, बता दो। सबके सब अच्छा खासा कमा रहे हैं, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो सब बन रहा है इनका, ये जो मीडिया है जिसमें धड़ाधड़ इनके विज्ञापन आते हैं, ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है। मीडिया वाले मेरे भाई बहने बैठे यहां खड़े हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना, नहीं करते। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, सुबह से शाम तक आप देख ही रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहन और भाइयों? आप 27 रुपए कमा रहे हो दिन में, सोच लो आपकी भलाई का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा।
वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। देखिए, आजादी की लड़ाई हमारे पूरे